अरे कौन गधा यार जिसने हमें यहाँ पे बंद कर दिया? एक बार मिल जाएगा ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा मैं उसकी। सीरियस क्या मजाक है ये? अच्छा तुम ठीक हो ना? उसने किडनैपर ने तुम्हें कुछ मारा वारा तो नहीं? तुम ठीक हो ना? हाँ जय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम सुन रही हो ना मुझे? हाँ हाँ हाँ। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। किधर? मिल गया आधा रास्ता, मिल गया। हाँ, कहाँ? अरे ऊपर देखो, ऊपर। ऊपर कहाँ? अरे इस साइड ऊपर। हाँ दिखी दिखी दिखी। आध्या, हाँ? तुम कहो, मुझे तुम दिखाई भी नहीं दे रही हो। मुझे दिखे तुम? एक सेकंड, रुको 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 रुको। क्या हुआ? मेरा पैर। ध्यान से गिर मत जाना। हाँ हाँ। अरे अच्छा वो क्या? कहाँ? सच सच बताओ, किसकी है ये हरकत? कहाँ हैं दोनों बच्चे? बाबूजी, भगवान जी की स्वर, मुझे कोई आईडिया नहीं है जय कहाँ है। ही वाज धमकाउइंग जय, इनसे आस्किंग कीजिए, इन्होंने कुछ गड़बड़ शड़बड़ की है। अरे मैं कहीं की इंसाइक्लोपीडिया लगा हुआ जो मुझे सब कुछ पता होगा? अरे मुझे तो जैसे पता चला कि मेरी बेटी गायब है, मैं तुरंत आपके पास आया हूँ। हद तो गई, धमकी तो आपने भी दी थी मेरी बेटी को। बस पैगे आना से आपा, मैं कह रहा था तुम दोनों से कि अपने घमंड में मत जियो, ऐसा मत करो कि बच्चों को भुला दो। अब भुगतो, बच्चे भाग गए। बिल्कुल। ओए माता रानी, ओए मेरे बच्चों की रक्षा कर, पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे मेरे दोनों बच्चे, पता नहीं पुलिस भी उनके साथ क्यों दुश्मनी निकाल रही है, कोई मदद नहीं करेगा मेरे बच्चों की, पता नहीं कहाँ मेरे बच्चे। चलो यहां से काम करो, हटो, मुझे तोड़ने दो, जाओ ना। ओके। और दूर हो जाना, तुम्हें लग ना जाए। हाँ हाँ। और ध्यान से। हाँ जी, रेडी, तोड़ दो। 1 2 अरे ये खिड़की बहुत छोटी है, फंस गया हूँ यार मैं। तुम एक काम करो, मुझे वापस धक्का मारो। धक्का? जय तुम्हें लग जाए। अरे मारो ना, मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा, ऐसे तुम्हें आना पड़ेगा शायद। अच्छा एक सेकेंड, जोर से मारो ना। जोर से? ये तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं लगी, पर इतनी जोर से कोई धक्का मारता क्या यार? सॉरी। अच्छा तुम एक काम करो, मैं ही उधर आती हूँ। हाँ तुम इधर आओ, आराम से आराम से आराम से। जितना मैं जानता हूँ बच्चे ऐसे ही चले गए होंगे, पैसे नहीं थे उनके पास, पता नहीं बेचारे कहाँ भटक रहे होंगे, ये सब तुम दोनों की जिद की वजह से हुआ। देखिए आप शांत हो जाइए, बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। मैं कैसे शांत हो जाऊं? शहर के हालात देख रही हो? हाँ। हर रोज कोई ना कोई घटना हो रही है, बच्चे घर से भागे हैं। अरे कहीं किसी ने गुस्से में जात बिरादरी के नाम पर बच्चों को मार दिया तो? इन लोगों को तो बच्चों की परवाह नहीं, लेकिन हम तो जिंदा हैं। भाई साहब, भाई राम जी, क्या हो गया आपको?
मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे कोई पानी लाओ। ये घड़े का पीते, मैं आपको बताती हूँ। बच्चे इनको देखना जरा। आई जी, कैसी औरत हो तुम यार। हेलो डॉक्टर साहब, बहुत ही कॉर्ड अटैक, इमीडिएट अराइवल चाहिए आपकी। दादू बस करो, ओवर एक्टिंग हो रही है। ताली दे मैं। क्या हुआ? वो हम कहीं दूर जाके बात करते हैं ना। भाग लिया मुझसे। इतने टाइम के बाद तुम्हें टाइम मिला एक दूसरे के साथ स्प्रिंट करने के लिए। तुम्हें लगता मैं इससे जाने दूंगा? हम इससे पहले कई बार तो अकेले रह चुके हैं। हाँ, कई बार अकेले रह चुके हैं, पर तब ये कनेक्शन नहीं था ना, जो अभी है। अब ये क्या किया तुमने? चढ़ते हुए लगी है ना, है ना? मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा जैसे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील। बड़े ड्रामे किए हैं मैंने कॉलेज में। अच्छा जी, कॉलेज में बेस्ट एक्टर था वो तो। एक्चुअली आपकी वो परफॉर्मेंस देख के हम लोग समझ गए। ये ना, इन दोनों को, शुभांकर और रूपा को, थोड़ी देर परेशान रहने दो, तभी तो हमारा प्लान कामयाब होगा। हाँ, ये सही बोल रहे हो। दादू, आंटी। अजय। दादू। मैं क्या करूँ? डॉक्टर को बुलाऊँ, कुछ करूँ? अजय बेटा, अरे रूपा, मेरे पोते को घर लेके आ रूपा। जी मैं कुछ करूँ?
इस मोमेंट यहाँ है, मतलब पहले दोस्त थे, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और अब मैं भी आगे जाके शादी है ना, और आई डोंट नो। पर पता है आद्या, मेरे लिए शादी से ज्यादा ना कमिटमेंट की इम्पोर्टेंस है। मंगलसूत्र, सात फेरे, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे को समझें। And I'm sure, शादी तो भी तुम्हें भी नहीं करनी। लेकिन अगर कमिटमेंट वाली शादी की बात है, वो तो हम अभी भी कर सकते हैं। मतलब? मतलब यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ? आओ बताता हूँ। इधर आओ, इधर आओ। साध्या वर्मा, मैं जय मित्तल आज और आगे आने वाले सात जन्मों के लिए तुमसे सात वादे करता हूं और कसम खाता हूं उनको निभाऊंगा जिंदगी भर के लिए। मेरा पहला वादा, तुम जैसी भी हो ना, मुझे बहुत पसंद हो, और मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम चेंज हो, कभी फोर्स नहीं करूंगा। मेरा दूसरा वादा, जब तक थक के गिर नहीं जाऊंगा ना, तब तक तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा। मेरा तीसरा वादा, बर्थडे एनिवर्सरी कभी नहीं भूलूंगा, एसी हमेशा तुम्हारे कंफर्ट लेवल के टेम्परेचर से चलाऊंगा, गीला टॉवल कभी बेड पे नहीं फेंकूंगा, और हाँ, जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारा बन के रहूंगा। मेरा चौथा वादा, हमारे रिश्ते में जितना प्यार होगा ना, उससे कई ज्यादा यकीन होगा। हमेशा ट्रस्ट करूंगा ना तुमको। मेरा पांचवा वादा, तुम्हारा हर दुख, हर तकलीफ मेरी होगी, और अगर कोई परेशानी आ भी गई ना, तो पहले आगे मैं खड़ा हूंगा, लेकिन तुम पे कोई आंच नहीं आने तुम्हारा। मेरा छठा वादा, तुम जो भी डिसीजंस लोगी ना, मैं उनमें हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, कभी कुछ क्वेश्चन नहीं करूंगा तुम्हें। और जो मेरा सातवां वादा है कि आद्या, ये लाइफ हम दोनों की है, ये रिश्ता हम दोनों का है, जो कि हमें साथ में जीना है। और मैं तुमसे वादा करता हूं आद्या, मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा ना, ये कभी किसी तीसरे के आने की जगह ही नहीं बचेगी। लव यू आद्या। वैसे इतना आठवां और थोड़ा पर्सनल वादा भी है, बताऊं? ये तो वचन में इंक्लूडेड था ना। रूपा और शुभांकर डर गए हैं, तो हमें जो भी करना है ना, फटाफट करना है। ओके। क्या बात है, यहां तो पूरा स्टॉप पड़ा है। सो आद्या वर्मा, जय मित्तल आज तुम्हें पूरा 5-course डिनर मील कराएगा। डिनर? मतलब हमने यही रहना है, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी? बिल्कुल नहीं। अरे तो भला उसके किडनैपर का, उसने हमें यहाँ पे कैद कर लिया,
कम से कम हमें थोड़ी शांति तो मिली। छे वो तो ठीक है, लेकिन घर वाले परेशान हो रहे होंगे। हाँ तो परेशान हो रहे दोनों। वैसे भी उन्होंने जो कुछ भी हमारे साथ किया ना, उन्हें भी थोड़ा सा परेशान होना तो बनता ही है। अरे वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमें उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। किडनैपर्स, ये पक्का किडनैपर्स होंगे। कुछ करो ना, कहीं मार मार नहीं जाती। तुम यहीं दूर आओ, दूर आओ। जेब, जेब, लॉकी। पकड़ो ना लॉकी। मैं क्यों? दूर जा, दूर जा, दूर जा। अरे तुम दोनों को यहाँ से निकालने आया हूँ। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे माँ बाप से यहाँ का एड्रेस मिला है मुझे। मॉम डैड मतलब उनके पास यहाँ का एड्रेस कहाँ से आया? तुम्हारे माँ बाप ने ही यहाँ पर किडनैप करवाया है। मॉम ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हमारा? पापा ने किडनैप करवाया मुझे। एक सेकेंड, वो ऐसा क्यों किया मतलब? बेटा कभी कभी माँ बाप ऐसा कर देते हैं, लेकिन ये वाली बात उनसे डिस्कस मत कर लेना। वो बात मेरे ऊपर आ जाएगी, मेरे सर पे चढ़ जाएंगे। ये जो है ना, ये तीनों के बीच में हमारे सीक्रेट रहेगा। नहीं, ये सीक्रेट हम चारों में रहेगा। अरे चारों में नहीं, पांचों में। अभी तो हूँ यार। ठीक है, पांचों में रहेगा। ये सीक्रेट हम बाद में बनाना। अभी चलो यहाँ से, आओ आओ जल्दी करो। एक बात कहूँ जय और आराध्या? जी दादू, कहो ना, आप पूछ के रहे हो। देखो बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों अभी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन सगाई या रोका तो कर ही सकते हो। दादू अभी मैं तो क्या है ना कि अगर कोई पक्का वादा नहीं है तो कोई भी माँ बाप तुम दोनों बच्चों को एक साथ नहीं रहने देंगे। उन्हें भी तो समाज में जवाब देना है ना। देखा था ना कितने डर गए थे शुभांकर जी और रूपा कि अपने ही बच्चों को किडनैप करवा लिया। रूपा, शुभांकर जी, यकीन मानिए, इन्होंने बहुत मुश्किल से दोनों को मनाया है, वरना आध्या और जय तो कदम तक नहीं रखना चाहते थे घर में। उन्हें खुद को साबित करने का, आप दोनों के दिलों में जगह बनाने का एक मौका तो दीजिए बेटा। एक बार सोच के देखो। तो बात पक्की हो गई, जय शुभांकर जी के यहां रहेगा और आध्या हमारे साथ रहेगी, और इन दोनों ने ये कोशिश करनी है कि रूपा और शुभांकर जी के दिलों में जगह बनाने की, और आप चारों को एक मौका दिया जाता है एक दूसरे के साथ रिश्तों को सुधारने की। ये मेरा ऑर्डर है। ऑल द बेस्ट आध्या। चलिए भाई सर। बेटा टाइम से ईटिंग स्लीपिंग कर लेना। जी मॉम। बाय मॉम। बाय दादू। बाय दादी। ध्यान रखना बेटा। ध्यान रखिए सब। हाँ, तू टेंशन मत ले। हाँ ऑफ कोर्स, और तू प्लीज अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट।